नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सूर्य ग्रह के कमजोर या मजबूत होने पर व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक कुंडली में सूर्य का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। सूर्य को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है। पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य को सविता भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सृष्टि करने वाला। ज्योतिष के अनुसार सिंह राशि का स्वामी सूर्य देव की महादशा 6 साल की होती है। मान्यता के अनुसार अगर महादशा किसी के कुंडली में चल रही होती है और अगर सूर्य मजबूत स्थिति में होता है तो उसे समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। अपने व्यक्तित्व के आकर्षण से वो सभी को आसानी से आकर्षित कर लेता है। उसमें सूर्य के समान ही तेज बना रहता है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास भरा होता है और वो सत्ता के बड़े पद पर पहुंचकर खूब लाभ कमाता है। इसके अलावा अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो जीवन में तमाम तरीके की परेशानियां बढ़ जाती हैं। उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद या राज संबंधी सभी कार्य, जैसे कि न्याय, राजदूत, राज्याध्यक्ष आदि पदों के, या फिर कोई सोने का कार्य होता है, व्यापार करता है, तो उसमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कुंडली में सूर्य के कमजोर होने पर सेहत पे भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य अगर कुंडली में अशुभ हो तो अक्सर लोगों को आंखों की और हड्डियों की परेशानियां होती रहती हैं। ऐसे लोग अक्सर निर्णय लेने में दिक्कत महसूस करते हैं। आत्मविश्वास की इन लोगों में कमी होती है। वहीं अगर सूर्य मजबूत हो तो बहुत आत्मविश्वासी जातक होते हैं। सूर्य कमजोर होने पर छोटे मोटे निर्णय लेने में भी अक्सर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। आलस्य बहुत बना रहता है। कुंडली में सूर्य से संबंधित दोष होने पर मान प्रतिष्ठा का हानि बहुत होती है। इसके साथ ही पिता से संबंध खराब रहते हैं। पिता के साथ हमेशा खटपट बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ या कमजोर है तो उसकी अशुभता को दूर करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके जो परेशानियां आपको मिल रही थी उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि इस तरीके की और वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पर जरूर जाइए। अब बात करते हैं सूर्य को मजबूत करने और उसकी शुभता पाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर होकर आपको अशुभ फल दे रहा है तो उसे मजबूत बनाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह सूर्योदय के समय स्नान आदि करके तांबे के लोटे से अर्घ दें। अगर आप सूर्योदय के समय नहीं उठ पाते हैं तो आप तांबे के लोटे में रोली डालकर दोपहर होने से पहले सूर्य को श्रद्धा के साथ अर्घ जरूर दें। रोज सूर्य को अर्घ देने के बाद आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार आपको पाठ करना चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको नमक थोड़ा कम खाना चाहिए। सूर्य देव की शुभता पाने के लिए हाथ में आपको तांबे का कड़ा पहनना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। सूर्य की शुभता अगर पाना चाहते हैं तो अपने पिता का आदर कीजिए और उन्हें हमेशा खुश रखिए। इस तरह के छोटे मोटे उपाय से आप सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलें अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।